हेलो फ्रेंड्स, मैं साधना आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल साधना सिंह ANM में। कैसे हैं सभी लोग? नवरात्रि का है 7वां दिन और मेरे घर में रखी गई है आज पूजा संकटा माँ की, तो वही तैयारियाँ चल रही हैं। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी और आप लोग वीडियो में देखेंगे कि मेरे यहाँ पे संकटा माँ का व्रत कैसे रखा जाता है, कैसे उनकी पूजा की जाती है। सुहागनों को बुलाया जाता है और कुछ मीठा जो माँ के पूजा में रखा जाता है वही सभी लोगों को खिलाया जाता है। तो आप लोग देखेंगे, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, बनी रहिए मेरी वीडियो में। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो खूब सारा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को खूब सारे कमेंट्स करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। सो कंटिन्यू रहिए मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। पहले तुम लगाए हो फूल के दिन डाल ले। परिवार निराश नहीं हुआ। चिरकाल से माताओं, बहनों तथा संकटा के भक्तों की यह बड़ी अभिलाषा थी कि माँ संकटा देवी का भी अन्य देवी देवताओं की कथा जैसे मिलती है उसी प्रकार श्री संकटा देवी को भी प्रकाशित होनी चाहिए, जिसे पढ़कर भक्त लोग अपने मन की अभिलाषा की पूर्ति कर सकें। इस पुस्तक की महेश्वरी ने कई बार आग्रह किया कि पुस्तक प्रकाशित कराई जावे। उन्हीं के सद प्रत्यनों का परिणाम है कि आज हम इस पुस्तक को आपके सामने प्रस्तुत कर सका हूँ। इस कथा में संकटा माता की कृपा से निसंतान स्त्री की कामना पूर्ण होना, सेठ जी की कथा जिनको व्रत करने से लाखों का व्यापारी बना दिया, इसके अलावा भी श्री संकटा चालीसा, संकटा माँ की आरती, श्री संकटा की स्तुति इत्यादि है। अर्थ संकटा पूजन विधि। यह व्रत प्रत्येक शुक्रवार को अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए करना चाहिए। प्रथम आरंभ शुभ दिन शुभ मुहूर्त से करना चाहिए। इस व्रत के
स्त्री पुरुष का बालक बहुओं को भी है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य वृद्धि तथा कन्याएं अपना इच्छित वर प्राप्त कर सकती हैं। सभी शुभकामनाओं की पूर्ति के लिए इसे करना चाहिए। छात्र तथा छात्राएं विद्या प्राप्ति के लिए तथा परीक्षा में पास होने के लिए निश्चित रूप से करें। सभी प्रकार के रोग शोक एवं सभी आपत्तियों को दूर करने के लिए श्री संकटा माँ का व्रत कथा पूजा सबको अवश्य करना चाहिए। इस फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। प्रातः काल या सायंकाल स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर कथा सुननी चाहिए। यदि कोई मंदिर संकटा देवी का हो तो उस मंदिर में पूजा करनी चाहिए, नहीं तो अपने मकान में पीड़ा या चौकी पर जल से पूर्ण कलश रखकर उस पर ही दिनों बाद सेठ जी का देहांत हो गया। इनके न रहने के बाद व्यापार में आने वाली कुलजनों ने इनको अपने हाथों में जकड़ लिया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि व्यापार धीरे धीरे बिगड़ने लगा। यहाँ जब नौबत आ गई कि सब कुछ समाप्त हो गया, अब घर में धन के बिना नाना प्रकार के कष्ट पड़ने लगे। जब कोई चारा ना दिखाई पड़ा तब श्री सिद्धनाथ जी ने नौकरी कर ली, लेकिन नौकरी में इतनी आमदनी न थी कि जिससे सारे परिवार का भरण पोषण हो सके। श्री सिद्धनाथ जी को अपनी स्त्री से बड़ा प्रेम था। स्त्री की चिंता युक्त देखकर हृदय में बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि हमारे कारण तुम्हें दुख मिल रहा है। तब उनकी स्त्री ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि पतिदेव, मैं देख रही हूँ कि आपने नौकरी कर ली, तब से आपको बुला कर भी दुर्बलता आ गई है। सदैव की भांति भगवान की पूजा कर आरती करना लगाकर ही भोजन करती थी, और जब तक अपने पतिदेव को भोजन नहीं करा लेती थी तब तक जल नहीं ग्रहण करती थी। अपनी मृदुल वाणी से सारे परिवार को मुट्ठी में बंद रखती थी। कोई भिखारी दरवाजे से वापस नहीं जाता था। सदैव की भांति सायंकाल जब मंदिर में कथा सुनने के लिए गई तो पंडित जी ने श्री संकटा देवी का मात्याय सुनाया। उसे सुनने के बाद वह घर लौट कर आई, तब श्री संकटा माता का पूजन तथा आरती करके सात सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराया। ऐसा वह प्रत्येक महीने करने लगी। एक वर्ष बीतने के बाद जब समय बदला और सेठ जी ने नौकरी छोड़ दी और अपना पुराना व्यापार फिर करने लगे, कुछ ही दिनों में वह सेठ फिर लाखों रुपयों का व्यापार करने लगा। श्री संकटा माता के इन भक्तों को कथा सुनाएगा और नित्य प्रति को इनकी पूजा पाठ तथा व्रती करेगा। उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। उसको किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। राजा रानी हुआ करते थे तो उनके संतान नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरे लड़का अगर होगा तो हम संकटा माँ का व्रत रखेंगे और सात सुहागनों को खाना खिलाएंगे। तो उनके बेटा हो गया। अब वो उनकी जो माँ थी वो भूल गई संकटा माँ की पूजा करना और सुहागनों को खिलाना। तो जब बेटा उनका बड़ा हो जाता है फिर पता नहीं क्या उसको बाहर कहीं जाता है तो वो खत्म हो जाता है। उनके पति भी खत्म हो जाते तो अकेली वो ही रह जाती हैं। फिर वो फिर सोचती हैं भगवान मेरा बेटा तो चला गया, अब मैं कैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करूँगी, फिर से भगवान मुझे कहीं से एक बेटा दे दे। तो उनके जो वो व्रत भूल गई थी उसी वजह से उनके संतान तो नहीं हुई, लेकिन उनके पैर में एक फलका पड़ गया। बहुत दिनों से वो ठीक नहीं हो रहा था, उसी से वो बड़ा होता गया, उसी से बैठक का जन्म लिया। संकटा महारानी के मंदिर में गई, उन्होंने कही यहाँ पैदा हो गया कि उनकी संकटा महारानी के मतलब जो मनोकामना पूरी हो जाए ताको व्रत कर दिया रहे। तब इन्हें कही तो फिर मेरे हो जाए, उन्होंने कही तुम बोलियो तो हो जाए तुम हो। मेरे तो ना आदमी है ना लड़का है कि मेरे कैसे हो जाए, हम दोनों हैं, हमारा बच्चा कैसे हो जाए।
तब इन्हें कही कि नहीं संकटा महारानी को तुम विरत करो तो तुम्हारा लड़का भाई है। इन्हें कही कि ठीक है तुम्हें संकटा महारानी को विरत करें तो नहीं देखो मेरे कैसे। तो इनके भूतकत में इनके पैर में फूटा पड़े हो पैर में सही में मेढक ने वही से मेढक ने जन्म लो उनके। तो एक उनके गांव में शादी हो रही थी तो मेढक ने कही मम्मी सपनी से माँ मुझे बरात। तो मेढक वो उसकी माँ ने बोला कि तुम कैसे जाओगे तुम्हें कौन ले जाएगा। तो उस मेढक ने कहा माँ चुपचाप चले जाएंगे कोई नहीं ले जाएगा तब भी। तो वो बारात में गया तो दुल्हन देख रही थी उसी मेढक को। वो उसे लड़के के रूप में दिख रहा था वो मेढक। गोबर का जो ढेर था उसी पे मेढक बैठा था उसी वो लड़के के रूप में दिख रहा था। तो दुल्हन ने अपने दूल्हे के बरमाला न डाल के उसी मेढक के बरमाला डाल दी। वो बहू लेके मेढक घर पे आया। गांव में सब लोगों में शोर मच गया मेढक शादी करके आया। मेढक उसकी माँ को बताया कि तुम्हारा मेढक तो शादी कर लाया दुल्हन लेके आया है। तो उसकी माँ ने कहा नहीं मेढक के साथ कौन अपनी बेटी की शादी कर देगा कि नहीं देखो चल के। तो उसने देखा द्वार पे मेढक खड़ा है दुल्हन लेके। वहाँ उन्होंने अपना स्वागत किया मेढक का और अपने घर में वो रहने लगे अच्छे से। तो जब वो अपने पत्नी के पास रहता था तो वो लड़का बन जाता था लेकिन माँ को वो मेढक के रूप में हमेशा दिखता था। तो उसने उसकी पत्नी जो थी उसने कहा कि माँ वो रोती रहती थी उसकी सास। तो उसने कहा तुम क्यों रोती रहती हो माँ मेरा कोई बेटा ही नहीं है मेढक है मेरे पास। तो नहीं ये बेटा कहाँ आपका बेटा ही तो है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो हमेशा मेढक के रूप में दिखता। तो उसकी जो बहू थी उसने कहा नहीं माँ वो आपके बेटे ही हैं। तो एक बार वो साड़ियाँ निकाल रही थी अपने बक्सा में से उसमें सुपारी रखी हुई थी। तो बहू ने कहा माँ ये सुपारी कैसी रखी। तो उसने तब उसकी माँ को याद आया कि मैंने संकटा माँ का व्रत बोला था कि मेरे बेटा होगा अगर तो मैं संकटा माँ का व्रत करूँगी सुहागनों को खिलाऊंगी। तो मैं वही भूल गई इसी वजह से मुझे मेढक हुआ बेटा नहीं हुआ। तो उसने जब वो सुपारी लेके फिर सात सुहागनों को निमंत्रण दिया। सात सुहागन ने जमाए संकटा माँ का व्रत किया अच्छे से उनका पूजन पाठ किया। तो संकटा माँ ने उन्हें वही जो मेढक था वही उनका लड़के के रूप में हो गया। माँ को भी देखने लगा बेटा। तो संकटा माँ की कृपा से वो दोनों पति पत्नी और उनकी माँ आराम से रहने लगे। जय संकटा मैया। सवेरे मतलब एक संकटा महारानी का मंदिर आ तो स्वाद में खा रही थी। तो जेठानी ने दही बेच के अपन वहाँ चली आई और देवरानी को नहीं देखो तो वह वहाँ अपने अपनी संकटा महारानी की पूजा सुनने लगी। तो वहाँ पर दही तब उन्होंने कही कि अब हम क्या करें मेरी दही बिको नहीं अब मेरे घर सास मारी मम्मी दीदी तो पहुँची पहले कभी तो बिकी हो मेरे बिको नहीं हम क्या करें। तो मैंने कही कि देखो हम संकटा महारानी की आरती सुनने लगे पूजा पाठ कर देखने लगे पिता और मैंने कही तो मंदिर से आवाज़ आई कि देखो दही नींद पे पलट दे और नींद हट कर ली। मैंने कही कि अभी दही पलटता हुआ संकटा महारानी के नाम से ईट पका सब बन गई। कभी जाता है कि भाई हम ईट पत्थर तो बन लें सास मारी है जाता है कि ईट पत्थर बन ली हूँ मन में बहुत सब कुछ करती हूँ कहते हैं चलो चलो के अपनी मैया करें सो रही है वहीं सो द्वारे आई कि मैया के देखो सा अम्मा के उतरवाए दी मैंने कही कि सुखा को ईट पत्थर बाली मोहरे बाली आई और सुखे उतरवाए दी काली आई कि तो मैं अम्मा उतरवाए दी सुबह ने जो उतरवाई सुबह में दुनिया की सारी सोना चांदी मोहरे सुबह में मामे निकली। मैंने कही सासू माँ तो बहुत खुशी भाई कि चलो बहू तो कैसे ले आई। और जेठानी ने कही कि जी तुम कहाँ से ले आई तुम कहाँ से ले आई मैंने कही कि हम कहीं से नहीं वही मंदिर से गए थे सुबह संगता महारानी की कहानियाँ का बात थी तो हम सुनने लगे सुबह हमें लेट हुई तुम्हारा उदय बिको मेरे बिको नहीं तो हमने वहीं के मैया ने क्यों आवाज़ आई सुबह फिर हमने कई कई ईट पत्थर भाले सोने वाले भल लाई उन्हीं की कृपा से कह दिए सोना चांदी हुई। जेठानी को लालच आए को जेठानी ने कही सवेरे हम चले कहीं करें यहाँ ही मैंने तो नकल करी
तो मैया देखो सासू माँ के उतरवाओ आए थे सुग्रीव बच गए कहीं सासू माँ के सुगन के तो एक पत्थर ही भाई बिन बिन के भाई नहीं सोना चांदी बिन के पास में तो श्रद्धा आती तो बिन के भाई नहीं सो मैया के उतरवाओ सुबिन के तो इन्ना के मिला की सुना पुती ये संगठा महारानी मैया लालच पूरी कभी ना करो लालच पूरी वाला आयो जय संगठा महारानी की जय सुबिन जल्दी पाती तेरे घर आए यो संगठा महारानी मैया घर आए जइयो संगठा महारानी मेरे घर रखी मैया सिंदूर की डबिया मेरे घर रखी मैया सिंदूर की डबिया सिंदूर लगाए जइयो संगठा सत्य को सहारे दियो मैया हम सब उतारे बाकी
हरिय वाणी दानव दल सर टूट पड़े माँ, दानव दल सर टूट पड़े माँ, करके सिंह सवारी सो सो सिंहों से है बलशाली, ऐसे हो जाओ वाली गैया भामर से ओ आगरे दियो मैया, सरे सती दौलत ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन का, हम तो मांगे माँ तेरे मन का, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सैया बहर से ओ आरती ओ मैया, हम सभी उतारे माँ की आरती, एक छोटा सा जोड़ा है माँ का नाली चढ़ी किनारी मैया लाली चढ़ी किनारी, ब्रह्मा पूजे विष्णु पूजे ब्रह्मा पूजे विष्णु पूजे पूजे दुनिया सारी, मैं तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे कपर वाली, तेरे ही घोड़े गावे आरती ओ मैया, हम सभी उतारे माँ की आरती, गनन गनन गन होए दरबार लाल दला मंदिर में मैया लाल दला मंदिर में, चौमक दिया जले मंदिर में चौमक दिया जले मंदिर में, होए बड़ोती घर में अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे कपर वाली, तेरे ही घोड़े गावे आरती ओ मैया, हम सभी उतारे माँ की आरती, छोटा सा परिवार हमारा उसे बनाए रखना मैया उसे बनाए रखना, हरी भरी फुलवारी मैया हरी भरी फुलवारी मैया सदा खिलाए रखना, जगदम्बे काली जय दुर्गे खपर वाली, तेरे ही घोड़े गावे आरती ओ मैया, हम सभी उतारे माँ की आरती, गाय बंदे और कुटुंब मैया खड़ा है तेरे द्वार, मैया खड़ा है तेरे द्वार, मन मन चित पल दे दो मैया, मन मन चित पल दे दो मैया, खाली भर दे माँ सबकी झोली, हम सभी उतारे माँ की आरती ओ मैया, हम सभी उतारे माँ की आरती, अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खपर वाली, तेरे माँ घोड़े गावे आरती ओ मैया, हम सभी उतारे माँ की आरती, तुम जग हित कारण मैया तुम जग की हित कारण, जिसने याद किया है माँ को, जिसने याद किया है माँ को, करके सिंह सवारी सो सो सिंहों से है बलशाली, अष्ट हो जाओ वाली दुखियों के दुखड़े ने आरती ओ मैया, हम सभी उतारे माँ की आरती, भक्त तुम्हारे किस दिन मैया तेरे ही गुड़गावे, मैया तेरे ही गुड़गावे, संकट हर लो उनके मैया, संकट हर लो उनके मैया, दोष ध्यान लगाए उनके जाए ना कोई खाली, भर दे माँ सबकी झोली, हम सभी उतारे माँ की आरती ओ मैया, हम सभी उतारे माँ की आरती, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चा मैया की जय, शिवारी मैया की जय, बोलो नौ देवी मैया की जय, नहीं कर पाओ जय माता रानी। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी पूजा यहाँ हो चुकी है, मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं, सारे लोग जा चुके हैं, सभी जो सुहागने आए थे मेरे यहाँ पे, संकटा माँ का व्रत इन लोगों ने रखा था, और हम लोग फुर्सत हो चुकी पूजा पाठ करके। सो मेरी वीडियो को जरूर सारा सपोर्ट करें, और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें, खूब सारे कमेंट्स करें, थैंक यू, जय माता दी।